नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे पॉलिटी का। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने प्रीएम्बल पढ़ा था, आज चैप्टर नंबर 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 1 का 3, आर्टिकल 1 का 3, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। तो आर्टिकल 1 का 3 में क्या कहा गया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अधिक किए जाएं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 का 3, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। ठीक है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, तो भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है, तो भारत में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र प्रदेश है, तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है, तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, तो 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 में किया गया था। ठीक है, इधर आपका नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। भाषाई आधार लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, तो भाषाई आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था, तो सिक्किम भारत का एक राज्य 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भाषाई आधार लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था, तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। भारत में केंद्रीय शासित प्रदेशों का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आपका इधर संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद, तो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उसको पढ़ते हैं। तो इधर आपका आर्टिकल दिया हुआ, इधर आपका विषय वस्तु है, तो उस आर्टिकल में क्या आपका बताया गया है, तो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ के क्षेत्र का नाम। तो पहला आर्टिकल में क्या कह दिया गया है, संघ के क्षेत्र का नाम क्या होगा। ठीक है, दूसरे में आपका आर्टिकल 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, तो नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार क्या है। आर्टिकल 3 में आपका अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नाम में परिवर्तन, तो नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करना, ये आपका आर्टिकल 3 में कहा गया है। आर्टिकल 4 में क्या है, तो आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची में एक परंपरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंशियल मामलों में संशोधन किया जा सके। ठीक है, तो आपका जो है आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 संसद संघ के क्षेत्र का नाम है, आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत
बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथे अनुसूची एवं परक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंसुअल मामलों में संशोधन किया जा सके। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कवालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्यों का दर्जा कब किसे प्राप्त था? तो असम को विशेष राज्य का दर्जा 1961 में तक था। हिमाचल प्रदेश को 1971 तक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-1976 में, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश को 1986-1987 तक था। नागालैंड को 1969 तक मिला था। मणिपुर को 1972, त्रिपुरा को 1972 और आपका जो है मिजोरम का 1986 से लेकर 1987 तक इन लोग को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो असम को 1969 तक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, हिमाचल प्रदेश को 1971 तक, मेघालय को 1972 तक, सिक्किम 1975 से लेकर 76 तक विशेष राज्य दर्जा में था राज आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1986 से 1987 तक, नागालैंड 1969, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972 और मिजोरम 1986-1987। हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषद है, जोनल काउंसिल कौन कौन से है। तो परिषद का नाम दर्ज दिया गया है, फिर आपका मुख्यालय कहाँ पर है और सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का है आपका जम्मू कश्मीर, सम्मिलित राज्य है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। ये टोटल आपके जो राज्य हैं, राज और संघ राज्य क्षेत्र जो कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर है पहला, दूसरा आपका लद्दाख है, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा आपका हरियाणा है, पांचवा आपका पंजाब है, छठा राजस्थान, सातवां आपका दिल्ली और आठवां चंडीगढ़ है, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आया है। केंद्रीय में आपका चार राज्य है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कोलकाता है और इसमें आपका जो है मुख्यालय और इसका जो सम्मिलित राज्य है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है और इसमें सम्मिलित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है, इसका सम्मिलित राज्य आंध्र प्रदेश कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी और तेलंगाना है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी और तेलंगाना है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो आपका यहीं पर रहेगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे आपका भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।